الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق سبق ہم پڑھ رہے تھے
और आज भी उसी सिलसिले की आगे कड़ी पढ़नी है इंशाल्लाह। जहां मैंने पिछला सबक छोड़ा था कससुल अंबिया का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो जादूगरों का मुकाबला हुआ, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फतह नसीब फरमाई और जादूगरों को अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक बख्शी, हिदायत नसीब फरमाई और उन्होंने ईमान कबूल किया। और साहिब कससुल अंबिया ने लिखा है कि जादूगर तो खैर ईमान ले आए, कुरान ने वाज़े कर दिया है, तारीख़ की किताबें ये भी बताती हैं कि किबती भी ईमान लाए, कई लाए, बल्कि हज़ारों, बाद ने लिखा है लाखों। लेकिन उन्होंने अपने ईमान या अपने अकीदे को ज़ाहिर नहीं किया। ज़ाहिर बात है, बहरहाल फिरौन का एक रोब, एक डर तो था ना, और इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ अकाबिर का फ़ैसला ये है कि ज़मीन के ऊपर उससे बड़ा ज़ालिम तारीख में नज़र नहीं आता। इसलिए उलमाए मुफस्सरीन ने और दूसरे उलमाए तारीख ने लिखा है कि किबती भी ईमान लाए हज़ारों, बाज़ ने लिखा लाखों, वल्लाहु आलम भी हकीकतिल हाल। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि उन लोगों ने अपने ईमान को बहरहाल ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन ईमान ले आए। इसके बाद जादूगरों के साथ क्या हुआ वो हमने कुछ इख्तिसार के साथ उस दर्स में पढ़ लिया। इसके बाद उलमा ने एक और तारीख का हिस्सा लिखा है, वो ये कि हजरत आसिया, ये फिरौन की बीवी थी, और उस सबका दर्स के आखिर में मैंने अर्ज किया था कि उन तक इतलात तो आ रही थी कि क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि मलिका थी, और फिर उन तक यह खबर भी आई कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन जादूगरों के मुकाबले में हजरत मूसा को फतेह नसीब की है और जादूगरों को अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक बख्शी। मौलाना पालन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत आसिया को हजरत मूसा से मोहब्बत तो पहले ही से थी, पाला ही उन्होंने था, और खुद हजरत आसिया ने फिरौन के सामने फरमाया था कि यह हमारी आंखों की ठंडक होगी। मौलाना पालन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब ये बात पता चली हजरत आसिया को, तो फिर हजरत आसिया ने ईमान का खुलकर इजहार किया, उन्होंने फिर अपने अकीदे को छुपाया नहीं, फिर जाहिर कर। ये हर एक की हिम्मत तो नहीं होती। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीसे तैयबा में, हुजूर के फरामीन आप पढ़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान में हुजूर ने हजरत आसिया को कामिलुल ईमान करार दिया है। अच्छा, अब जरा समझे ना कि जिनको हुजूर कामिलुल ईमान फरमाए उनका फिर ईमान किस मुकाम और किस दर्जे का होगा, ये आप खुद समझें।
फिर एक मुकाम पर साहेब कससुल अंबिया ने लिखा है कि जिनको पैगंबरों के दीदार नसीब हों, जिनको पैगंबरों की सोहबतें नसीब हों, उनके अकीदे पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हजरत मूसा से अकीदत तो पहले भी थी, तो फिर अकीदे मजबूत कैसे ना हो। आप खुद जरा तसव्वुर फरमाएं कि जिनके लिए हुजूर कामिलुल ईमान के जुमले इरशाद फरमाए, उनका ईमान किस मुकाम का हो। मौलाना पालन हकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उन्होंने अपने अकीदे का इजहार कर दिया। और भी कुछ अकवाल उलमाए मुफस्सरीन ने लिखे हैं। बहरहाल बस एक कॉल ले लें, छोड़ें बाकी सारी तफसीलात क्या सुनेंगे, बस एक कॉल पढ़ लिया है, बाकी अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। हजरत आसिया, अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलतें नसीब फरमाई और बड़ा पुख्ता ईमान और अकीदा नसीब फरमाया। अच्छा, फिर ये भी अकाबिर के बड़े अजीब फरामीन हैं, कुरान पाक और अहदीसे तैयबा की रोशनी में जिनके अकीदे जितने ज्यादा मजबूत होंगे उन पे आजमाइशें भी उतनी ही सख्त आएंगी। ये शान है अल्लाह की, जितने ज्यादा, ये अकाबिर का फैसला है कुरान पाक और अहदीस तैयबा की रोशनी में, बड़े बड़े अकाबिर ने ये बात लिखी है, जिनके अकीदे जितने ज्यादा मजबूत होंगे ना उन पर आजमाइशें भी उतनी ही सख्त आएंगी। हमने कहीं सबका दर्स में पढ़ा था, मुमकिन है आपको याद हो कि ओलामाए तारीख लिखते हैं इसी फिरौन के बारे में, जिसके वाकयात हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बाज़ा का ओलामाए तारीख लिखते हैं। कुरान पाक तो इन अभास से बहस नहीं करता, कुरान की तो अपनी शान है। बाद उलमाए तारीख लिखते हैं कि पुरानी किताबों में ये जुमले मिलते हैं कि 4 सदियों की जिंदगी उसने पाई थी, और वही उलमाए तारीख लिखते हैं कि वही पुरानी किताबें ये भी कहती हैं कि 4 सदियों में कभी उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसलिए अकाबिर ने लिखा है आजमाइशें वहीं आती हैं जहां अकीदे होते हैं। अब उनका अकीदा ये उन्होंने खोल कह रहा। अच्छा, अब ये चीज भी आप और हम खूब समझ सकते हैं ना कि फिरौन के लिए तो ये मौत की बात, पहले तो जादूगरों का मसला बना, अरे हम सारे लोगों के आगे, फिर उसके बाद आप खुद सोचें कि जब वो घर गया तो उसके घर में ये बात पेश आ गई कि उसकी अपनी बीवी उस अकीदे पर को मान लिए जो हजरत मूसा पेश कर रहे थे, और उस अकीदे का तो पहला सीगा ही यही है ला इलाहा, वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, सैयदताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ला की तलवार फिर छोड़ती नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, फिर एक चीज और भी आप जरा देखें, ध्यान ना हटे वरना बात नहीं समझ आएगी। ये 3 उनवान सामने आ रहे हैं ना, या 3 नाम सामने आ रहे हैं, जादूगरों का, किब्तियों का और हजरत आसिया का। जादूगरों ने भी अपने अकीदे को खुल के जाहिर कर दिया, बल्कि यहां तक वाजे किया कि किसी को शुबो ना हो कि रब के लफ्ज से कहीं कोई ये मुराद ना ले ले, उन्होंने खुल के कहा कि हम उस रब पर ईमान लाए हैं जो हजरत मूसा और हजरत, बिल्कुल अच्छा वो हमने पढ़ लिया कि फिर फिरौन ने उनको क्या कहा कि इतनी जुर्रत तुम्हारी, और उसने कहा था कि जब तुमने ये किया है तो अब इसकी सजा भी देखोगे, हम अगर तुम्हारा ये हाथ काटेंगे तो ये पाउंड काटेंगे, ये हाथ काटेंगे तो ये पाउंड काट के तुम्हें सूली पे लटकाएंगे। और उलमाए मुफस्सरीन की जो आभास है वो हमने उस आपका दर्स में पढ़ ली, आप जरा खुद, अच्छा जिन्होंने इजहार किया उसको ये, जो किब्ती थे वो मैंने अभी जाहिर की अर्ज किया ना कि साहेब कससुल अंबिया दूसरे उलमा ने लिखा है हजारों, बाद ने लिखा लाखों ईमान लाए, लेकिन उसके डर से बोले नहीं, खामोश हो, उसके डर से बोले नहीं, बोले ना
तीसरा नाम था हजरत आसिया का, और मौलाना पालन हकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और उलमा ने भी लिखा है कि उनको जब इतला मिली हजरत मूसा के फतेह की, तो उन्होंने जो हजरत मूसा का कलमा पढ़ा तो फिर आला लालान पढ़ा। अच्छा, तो जब जादूगरों के साथ उसने ये किया तो हजरत आसिया को छोड़ देता वो? नहीं, हजरत आसिया को कहां छोड़, इसलिए उसके लिए तो ये मौत। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए हजरत आसिया की मिसाल बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया हम ईमान वाले बंदों के लिए फिरौन की अहलिया का, फिरौन की अहलिया की मिसाल बयान करते हैं। अच्छा, अब जरा समझे ना आप इस बात को कि हजरत आसिया के मुकाम को भी समझते जाएं कि जिनकी मिसाल अल्लाह ताला ईमान वालों के आगे बतौर नमूने के पेश कर रहे हैं, उनका अकीदा ईमान किस मुकाम का होगा और अल्लाह के यहां उनका क्या मुकाम होगा, यह आप खुद समझें। सही बात है या नहीं, बोलो तो सही। रोजा तो नहीं है आप लोगों का? अच्छा, मैंने कहा कि शायद जुमे का रोजा रखा हुआ होगा। अच्छा, एक ये चीज भी समझें के यानी हजरत आसिया के मुकाम को समझें आप, बात मेरी समझ आ रही है? यानी अल्लाह ताला के फरमान की जुमलों पर गौर फरमाएं। ये नहीं कि मैं कोई वो कर रहा हूं यानी बनावट का, नहीं। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लजीन आमनु इम्रात फिरौन, अल्लाह ने फरमाया हम बयान करते हैं ईमानदार बंदों के लिए फिरौन की अहलिया की मिसाल। अच्छा, ये तो कहीं सबका दरसों में हमने पढ़ा और समझ लिया ना आप कि अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कुरान हजरत मरियम के सिवा किसी खातून का नाम हो? बाद उलमा ने लिखा है एक और का भी नाम है, लेकिन वो इख्तलाफी और बहुत ही इख्तलाफी मसला है, वरना अकाबिर अक्सर 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 का फैसला यही है कि कुरान में हजरत मरियम का नाम है, खवातीन में बाकी किसी का नहीं, तज़किरे हैं नाम। हजरत आदम के साथ हजरत हव्वा के तज़किरे हैं, नाम नहीं। हजरत नूह के साथ उनकी अहलिया के तज़किरा, नाम नहीं। हजरत लूत के साथ उनकी अहलिया का तज़किरा, नाम नहीं। हजरत इब्राहिम की अहलिया के तज़किरे हैं, नाम। हजरत मूसा की वालदा के तज़किरे हैं कुरान में, नाम नहीं। हजरत मूसा की बहन का जिक्र है कुरान में, नाम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के तज़किरे हैं कुरान में, नाम किसी भी का भी नहीं। इसलिए अक्सर उलमाए मुफस्सरीन का फैसला यह है कि लगी लिपटी वाली बात नहीं, सिवाय हजरत मरियम के किसी का नाम अल्लाह ने कुरान में नहीं लिया, और वो भी उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा इसलिए कि हजरत ईसा की निस्बत हजरत मरियम की तरफ करनी थी, इसलिए कि हजरत ईसा के कोई बाप, बोलो ना। अब तो कुछ हवाएं गलत चल रही हैं, वो लिख रहे हैं कि नहीं नहीं मौलवियों को गलत फहमी हुई है। अच्छा, कौन सी सदी के वो जो कह रहे हैं मौलवियों को गलत फहमी हुई है, हमें हक नहीं पहुंचता कि हम उनसे ये सवाल करें कौन सी सदी के, 15 सदियों के उलमा को गलत फहमी हुई है और 15 सदियों के बाद तुम सही नतीजे पर पहुंचे हो, सवाल हमारा सही है या गलत है? पूरी गोया पूरी उम्मत हुजूर की गुमराह गुजर गई है। बहरहाल ये अभास इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कससुल अंबिया के आखिर में आएंगे हजरत ईसा के बाद में। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सुने, हजरत आसिया का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में, नाम नहीं, अल्लाह ताला ने फिरौन की अहलिया कहकर जिक्र फरमाया। وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اللہ نے ایماندار بندوں کے لیے حضرت آسیہ کو بطور مثال کے پیش کیا۔ اچھا, یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ جب وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنا حضرت موسیٰ کے عقیدے پہ آ گئی ہیں,
उसने कहा बाज आ जाओ, मौका देता हूं। हजरत आसिया ने फरमाया जब ईमान कबूल कर लिया तो अब क्या बाज आना। अच्छा, हमारे बाज अकाबिर ने अजीब फैसले किए हैं कि अल्लाह ताला अपनी पनाहें नसीब फरमाए, जिन्होंने ईमान की हलावत को नहीं चखा वो नहीं समझे ईमान की कदरों को, लेकिन जिन्होंने ईमान की हलावतों को चखा है वो कटे हैं लेकिन ईमान को छोड़ा नहीं है। हुजूर के सहाबा की मिसालें दे, आज भी सैयदना बिलाल कह दें, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला उनके कुर्बानियां, उन पर जो मसाइब गुजरे वो आज भी तारीख में रोशन है। उन्होंने मुसीबतें झेली, सबर किया या अकीदा छोड़ा। हजरत सुहेब और बड़े बड़े अकाबिर, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि जब अकीदे मजबूत थे तो आजमाइशें ऐसी आती थी, लेकिन जब आजमाइशें ऐसी आती थी तो फिर अल्लाह की कुदरतें और नुसरतें भी वैसे ही आती थी। आप देखें, यानी तारीख ये बताती है, हुजूर की एक सहाबिया थी हजरत जिन्नीराह, नाम में कोई गलती हुई तो मेरी तरफ से होगी, रजी अल्लाह ताला अन्हा, और ये यूरोप से थी, यानी ईमान कबूल किया अपने मुकाम पर, नजर चली। अच्छा, जब नजर चली गई तो उलमाए तारीख लिखते हैं कि जो मुशरिकीन थे ना, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ला तो उज्जा की नवजत पड़ी है तुझ पे, तूने छोड़ा है ना हमारे मजहब को, और तू कहती है ला इलाहा, इसलिए लात और उज्जा की नहुजत पड़ी है तुझ पे, नजरें थे। लात और उज्जा एक थे या दो, बोलो तो सही, दो थे ना, लात और उज्जा दो थे। आंखें इंसान के चेहरे में कितनी होती हैं, कहीं तीसरी आंख तो नहीं है आप लोगों की? अच्छा, मैंने कहा क्या बताओ भाई, हांगकांग है, कुछ भी हो सकता है, दो आंखें तो ने कहा, एक लात ले गया दूसरी उज्जा ले गया, अल्लाह ताला माफ फरमा, का कहना लात और उज्जा की नज़र। अच्छा, हजरत जिन्नीरा को जलाल आया, उन्होंने कहा बकवास कर रहे हो, लात हो या उज्जा हो, इनके कब्जे में ना नफा है ना नुकसान है। अच्छा, उनके ये जुमले कहने की देर थी, उलमाए तारीख ने लिखा है अल्लाह को उनका ये जवाब इतना पसंद आया, अल्लाह ने उनके दोनों आंखों के नूर को उसी वक्त रोशन कर दिया। मौलाना नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे आपके मुल्क में, उनकी किताब है मजलूम सहाबा की दास्तानें, उसमें है ये वाकया, और उन्होंने ये वाकया अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा। बहरहाल ये तो कई साल पहले, मेरे हाल में 5-7 साल पहले कहीं पढ़ा, पता नहीं कैसे याद आ गया मुझे, बहरहाल कोई बेरब्त बात नहीं, मौके पर याद आई है, याद रहेगी, बोलो तो सही। हमारे अकाबिर ने तो सहाबा के मौजू को मुस्तकिल रखा है, जैसे मौलाना नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मौजू ही सहाबा होता था। अच्छा, हमारे जिनकी किताब हिदायत की चिराग हम ये पढ़ रहे हैं जुमे के बयानात में, इनकी एक मुस्तकिल किताब है सहाबा की यादें। बहरहाल, जो बात अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा, उन हजरत आसिया ने फरमाया कि जब ईमान कबूल कर लिया तो अब क्या, बस बात खत्म। कहा मैं मौका दे रहा हूं, उन्होंने कहा बस हो गया जो हमने करना। अच्छा, अब पहले तो उसने कोशिश की, वो नहीं मानी, जब नहीं मानी अब वो जुल्म पर उतरा, इसलिए कि मैंने पहले अर्ज किया उसके लिए तो ये मौत थी ना। उसने अपना जो उसके बस में था उसने किया, हजरत आसिया नहीं मानी। अब जब आखिर आने लगा तो उसने हजरत आसिया को सिपाहियों के हवाले किया, और हजरत आसिया को हवाले करके कहने लगा कि इनको ले जाओ जहां इस खित्ते में सबसे ज्यादा गर्मी पड़े वहां खड़ा कराओ, फिर मौका दो, देखो मानती हैं कि, वहां ले जाके खड़ा करा दिया। अच्छा, अब गर्मी, और फिर यह भी आप समझिए कि मिस्र की गर्मी, आप आराम से तो यह नहीं बर्दाश्त होती। अच्छा, जब वो अपना वो पढ़ा ना, अच्छा ये भी उलमाए तारीख में आता है, बल्कि इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने लिखा है कि जाहिर है इंसान तो है ना,
परेशानियां कुछ बतकाजा बशरियत होती हैं, तो अब जब बांधा हुआ है और वो भी गर्मी में और खड़ा किया हुआ है, एक इंसान हिल ही नहीं सकता, तो जब परेशानी तो फिर पैदा होती है, वो बतकाजा बशरियत है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उनके इस हाल को देखा तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भेजा कि जाके अपने परों का साया हजरत आसिया पे कर दो। ये इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में, और ये मैंने कहीं पहले भी अर्ज किया था, ये हुजूर की उम्मत में ऐसे आलिम गुजरे हैं, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो मुअर्रिख भी थे, हुजूर की उम्मत में ऐसे ऐसे आलिम गुजरे। तो बहरहाल बात यह अर्ज कर रहा था। अच्छा, जब वो हुआ, फिरौन को फिर इतला दी गई कि नहीं मानते, कह दें कि अच्छा, अब उसने कहा कि ठीक है, फिर जब नहीं मानती तो उनको वहीं लिटाओ और लिटाने के बाद उनके हाथों में मेखें गाड़ो। कुरान पाक में जिल औताद फिरौन के लिए यह लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया, मेखों वाला फिरौन। उलमा ने लिखा है उसका एक ये वो करता था वो, यानी हमने तो यानी ये मुहावरे पढ़ रखे हैं ना कि दीवारों में चुनवा दिया वगैरह वगैरह, लेकिन वो हकीकतन इस पे अमल करता था। उन्होंने कहा लिटाओ वहीं पर, जब नहीं मान रही तो बात हमने मौके जितने देने दे दिए, वहीं उनके हाथों और पाओं में मेखें गाड़ो। और वो गाड़ने के बाद उसने हुक्म दिया कि इलाके में जहां तक जा सकते हो जाओ और जितनी बड़ी चट्टान मिले वो लेकर आओ, जितनी बड़ी चट्टान मिल सके वो लेकर आओ, ऊपर फेंक। अच्छा, वो उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा, गए वो लोग, वो भी उसके हुक्म के मुताबिक जितनी बड़ी चट्टान ढूंढ सकते थे वो लाए, वो लाए और उस हजरत आसिया के ऊपर मुअल्लक की रखी कि भाई अब आई। अच्छा, उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है हजरत आसिया की नजर ऊपर पड़ी, कब ये गिराएंगे हम। अब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है उस मौके पे हजरत आसिया ने वो चट्टान देखी तो समझ तो गई अब आखिर वक्त है, तो उस मौके पे हजरत आसिया ने एक दुआ मांगी। हजरत आसिया की उस दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, इज़ कालत रब्बि इब्नली इंदका बैतन फिल जन्ना। अच्छा, यानी आप देखें इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत आसिया के इल्म और हजरत आसिया के मुकाम को समझो, कि हजरत आसिया ने पहले अल्लाह का कुर्ब मांगा है फिर जन्नत में घर मांगा है, कि अल्लाह जन्नत में घर दें लेकिन वहां दें जो आपके करीब हो, अल्लाह आपने पड़ोस में मुझे घर दें, वरना जन्नत के घर तो कईयों कई हर ईमान वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हजरत आसिया ने फरमाया अल्लाह घर दें लेकिन अपने पड़ोस में दें। इमाम इब्ने कसीर ने फरमाया यहां पर भी हजरत आसिया ने अल्लाह के पड़ोस को मुकद्दम किया है, महल को मुअख्खर किया। इज़ कालत रब्बि इब्नली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह मुझे अपने अपने करीब अपने पड़ोस में जन्नत में घर दें। अच्छा, उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है हजरत आसिया के ये जुमले अल्लाह को इतने पसंद आए कि यहां तक हजरत आसिया की दुआ पहुंची थी कि हर पर्दा निगाह के दरमियान से अल्लाह ने हटा के महल दिखा दिया कि आसिया ये महल है तेरा। सुभान अल्लाह, नहीं कहना हाँ। अच्छा, एक तो ये फरमाया, मैंने पहले अर्ज किया जब अकीदे मजबूत होते हैं तो फिर आजमाइशें भी सख्त होती हैं, और जब आजमाइशें सख्त होती हैं और उस पर जब अल्लाह की इनायत से इंसान खरा उतरता है तो फिर अल्लाह की इनायतें भी बड़ी होती हैं। इज़ कालत रब्बि इब्नली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिन
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ حضرت آسیہ نے فرمایا اللہ فرعون سے اس کے عمل سے اس کی ظالم قوم سے تو نجات نصیب فرما. اب دعا مانگ لی نا, اگر اس جملے کو سمجھے آپ, دعا مانگ لی نا, ایک دعا تو مانگ لی کہ جنت میں اپنا وہ اللہ نے دکھا دیا. اب ساتھ ہی میں انہوں نے یہ دعا مانگ دی, اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کہ اللہ فرعون سے اس کے عمل سے اس کی قوم سے اللہ نجات نصیب فرما. اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے فرعون کا عمل کیا تھا, علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت آسیہ کی مراد ظلم تھا اس کا, اور کیا تھا, اور اس کی قوم بھی بڑی, حضرت آسیہ نے پوری قوم کو ظالم قرار دیا اس دعا میں, اتنی ظالم اس کی ہر بات میں, ہاں ہر بات میں ہاں. آپ اور ہم تو نہیں ہر بات میں ہاں کرتے, ہر بات میں ہاں نہیں کرنی چاہیے, ہاں ورنہ آپ اور ہم بھی اس میں شامل ہو جائے کر. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اچھا جب بس یہ دعا مکمل کرنے کی دیر تھی, انہوں نے وہ چٹان جو چھوڑی سیدھی آئی حضرت آسیہ پر, لیکن یہ بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ چٹان آنے سے پہلے پہلے اللہ نے حضرت اسرائیل کو فرمایا کہ حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر. چٹان آئی تو خالی وجود پر آئی, حضرت آسیہ کی روح کو اللہ نے پہلے ضبط کر دی. یہ علماء مفسرین نے اس پاک آیت کی تفسیر کے موقع پر لکھا ہے. بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. اچھا ایک چیز اور آپ سے عرض کروں, میں نے پہلے کہا اگر میرے ساتھ اس جملے کو تھوڑا سا غور سے سنیں, جب عقیدہ مضبوط ہے تو آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں, اور جب آزمائشیں سخت ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے عنایتیں بھی. فرعون بھی دیکھا آپ نے اور اس کا یہ ظلم بھی دیکھا, اور حضرت آسیہ کا صبر بھی دیکھا. ٹھیک ہے, بولو تو صحیح. اس دنیا میں حضرت آسیہ کا شوہر کون تھا؟ وہ خود قرآن میں ہے, ابھی میں نے پڑھا ہے. لیکن حضرت آسیہ کے عقیدے کا یہ عوض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں نا, حضرت آسیہ آخرت میں کہاں ہوں گی؟ سوچ کے بتاؤ, کوئی شک ہے؟ اور فرعون کہاں ہوگا؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اور آپ اور میں کہاں ہوں گے؟ امید ہے نا, کیونکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. دنیا میں فرعون رہا, لیکن حضرت آسیہ کے عقیدے کی یہ عوض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آسیہ کے عقیدے کا یہ عوض حضرت آسیہ کو دیا, کہ علماء امت نے لکھا ہے کہ جنت میں حضرت فرعون تو جا نہیں سکتا, جنت میں حضرت آسیہ کو اللہ تعالی شوہر کے طور پر حضرت محمد الرسول اللہ کے نکاح میں دیں صلی اللہ علیہ. کتاب طلوع ہے سحر, اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے, اور اس میں حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا قائدینیوں کے ساتھ, بڑا دلچسپ, لیکن وہ بہرحال میں نہیں ابھی سنا سکتا, وہ تو کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر کی باتیں. اسی بات پر انہوں نے مرزے کے لیے یہاں سے دلیل پکڑنے کی کوشش کی تھی, بہرحال وہ ایک دوسرا قصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت آسیہ کے عقیدے کا عوض اللہ نصیب فرمائیں گے, کہ وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا, کون؟ تو حضرت آسیہ کو جنت میں حضرت محمد الرسول اللہ کے نکاح میں دیا جا. اچھا یہ بھی آپ اپنا عقیدہ اپنائیں نا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ, یہ کن کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے نا, تو جنت میں حضور سے مقام پر بھی بڑھ کر کوئی ہوں گے؟ تو آپ دیکھیں حضرت آسیہ کو اللہ وہ شوہر نصیب فرما رہے ہیں جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. اب آخری بات عرض کروں, علماء نے لکھا ہے اللہ نے حضرت آسیہ کے اس واقعے کو مثال کے طور پر کیوں پیش کیا؟ سوال ہے, علماء نے لکھا ہے اس لیے پیش کیا
कि ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है कि अपने अकीदे को कोई भी मुश्किल आ जाए उस तरह संभाले जिस तरह हजरत आसिया ने संभाला था। यह मकसद है जो अल्लाह ने कुरान पाक में हजरत आसिया के वाक़े को बयान फरमाया। और माफ कीजिएगा, हम और आप सबसे बड़े ढीले ही अकीदे में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप गौर करें घर जाकर। आप आज चलें बाकी बातें छोड़ दें, आज आप अपने आप से भी और अपने किसी दोस्त से भी जिससे बेतकल्फी हो उससे खाली आज जाकर आप यह पूछिएगा कि यार अकीदे का मतलब क्या होता है। अकीदा एक लफ्ज है ना, इसका मतलब क्या है, माना क्या है। अगर वो आपको बता दे तो मुझे आके बता देना, जी उसने बता दिया था। तफसीलात से मुझे कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, हालांकि यह बात मानी हुई है कि अकीदे के ऊपर इंसान की निजात है। अच्छा, हम सबसे ज्यादा ढीले ही उसी में, बल्कि हम तो अब अकीदे की तकारीर सुनने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, पढ़ेंगे क्या। इसलिए मैं आपसे बतौर दोस्त के कहता हूं कि ऐसी तकारीर हासिल करने की कोशिश करें जिनमें देखें, आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, मुझे तजुर्बा है इस चीज का। पढ़ोगे? बोलो, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता, मुझे तजुर्बा है ना जी। इसलिए अच्छा, मैं उस दिन एक दोस्त से कह रहा था, ये नहीं है अल्लाह ताला बड़ा बोलना बुलवाएं, आप हजरात तो चले आवाम में खत, हमारे अपने खितों में जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है मैंने आज तक उनमें भी ये सन्नाटा देखा है, इल्ला माशाल्लाह नहीं पढ़ते, वो पढ़ते ही नहीं है। इसलिए कोशिश करो, आज दो जरिए हैं दीन इस्लाम पढ़ने के उमूमन, एक किताबें हैं वो आप पढ़ोगे नहीं, तकारीर हासिल करो ऐसी जिनमें अकीदे पर मजामीन मिले। मोटी सी बात आपको बताता हूं, मुदर्रिस हरम है ना शेख मोहम्मद मक्की साहब, मस्जिद हराम में जिनको 50 साल हो गए हैं कुरान और बुखारी पढ़ाते हुए, उनका दर्स है अकीदे पर पूरा, मिनहाज मुस्लिम के नाम से, वो पूरा अकीदे पर है, 15 दर्स हैं, एक एक दर्स डेढ़ डेढ़ घंटे का है। और आपको मजे की बात बताऊं, अगर कलमा तैयबा मेरे साथ पढ़ लो ला इलाहा, इस एक कलमा तैयबा पर 6 दर्स है, डेढ़ डेढ़ घंटे का एक एक दर्स है। यह नहीं होता कि सारा आप एक दिन सुनेंगे, 15 मिनट सुने फिर रख दें, फिर दूसरे रोज सुन लें, या जब आपको मौका मिले। कहीं आपको सफर पेश आता है, सफर में अगर हम किसी और फजूल बातों में पढ़ने के अगर ये सुन लें, अकीदा बन जाएगा। बता, नेट पर भी है मिनहाज मुस्लिम, ऑडियो कैसेट में एल्बम की सूरत में भी हैं, सीडियों की सूरत में भी हैं, बस आप और हम कोशिश नहीं करते। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, अकीदे पे मेहनत करनी चाहिए या नहीं, अकीदे पे मेहनत करें। और याद रखें, मिनहाज मुस्लिम में ही हजरत के ये जुमले छपे हैं और मुफ्ती इमदादुल्ला अनवर साहब की तस्दीक के साथ छपे हैं कि आमाल की कोताहियां काबिले माफी है, अकीदे की कोताही ना काबिले माफी है, ये याद रखना। शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल में लिखा है कि क़यामत के मैदान में 3 अदालतें कायम होंगी, उनमें पहली अदालत अकीदे पर होगी। हजरत ने लिखा है जो अकीदे में फेल होगा उसकी निजात का सवाल ही नहीं पैदा होता। और याद रखो, अल्लाह मियां से मेरी और आपकी रिश्तेदारी नहीं है, हाँ ये याद रखना, अल्लाह ताला खालिक हैं मालिक हैं, ये नहीं है कि आप और हम उनके रिश्तेदार हैं, जो है वो हम तो बख्शे बख्शाएं और इन ये भुगतेंगे। अगर इनके अकीदे में झोल है और भुगतेंगे तो आप और मैं क्या हैं, हम नहीं भुगतेंगे। बहरहाल ये बातें तो चलती रहती हैं, दुआ करें अल्लाह ताला अमल नसीब फरमाएं। हजरत आसिया का किस्सा अपने बिसात खत्म हुआ, अल्लाह ने जिंदगी दी, तो हजरत मूसा का बकाया किस्सा अब आगे से पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।